जय हिंद दोस्तों। तो आज के टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाइए जीरो टू हीरो बैच में। जीरो टू हीरो आज बनेंगे, दिखते हैं कितने की हीरो बनते हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और खुद भी टेस्ट लगाइएगा, ठीक है भैया। चलो पहले सवाल से, पहला सवाल ये रहा आपका, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा फटाफट। पहले का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा फटाफट। पहला प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पे, है रहा स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आ चुका है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठा करके आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन आता है, किसके नाम ये लिखा है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन को देखें बच्चों, तो ये क्वेश्चन बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए माइनस बी, ठीक है। तो यानी कि दोनों को क्या करना है, ए प्लस बी। जी आंसर बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है, ए प्लस बी। समय समाप्त, ए आंसर वन, 0.27 जमा 0.273, आंसर इज 1.000, दैट्स इज वन इज द आंसर। समय खराब, समय समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, सभी आंसर देने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, सभी जल्दी से बोलिए, मुंह से बोलिए क्या होगा इसका आंसर। समय दिया होता है, इसी समय के अंदर ये क्वेश्चन करना होता है। सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आंखों से ही आंसर आ जाना चाहिए। आंसर फोर के साथ जा रहे हैं, देखें देखें देखें, आंसर फोर के साथ जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि आंसर फोर है कि नहीं है, देखने वाली बात यही है कि फोर आंसर होगा कि नहीं होगा। ट्राई करिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं समझाने के लिए। ये ए प्लस बी का हो, बिल्कुल सही दीपक, इनमें से कोई नहीं सही आंसर है, का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बाहर माइनस है इसलिए अंदर के सिंबल चेंज होएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस टू ए बी होता पर प्लस टू ए बी हो जाएगा, ठीक है जी, ओवर ए माइनस बी। अब देखिए इससे ये आपस में क्या हो गया, कट गया, टू ए बी, टू ए बी कितना हो गया फोर ए बी, ओवर नीचे क्या a माइनस बी। अगर हम इसको पूरे को कैलकुलेट भी करें तो इसमें से आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 a की वैल्यू कितनी होगी 853 मल्टीप्लाई साथ में ही 447, नीचे क्या आ जाएगी 853 माइनस 447 हो जाएगा, जो कि कहीं का भी तालमेल नहीं बन रहा है आपके इस सवाल का, इस सवाल का कोई भी तालमेल नहीं बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या चले जाएगी डायरेक्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं तो आंसर निकालना होगा तो आपने बस इसको माइनस करके डिवाइड कर लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कौन आंसर देता है देखें। तीसरा सवाल है, तो पहले सवाल में दीपक के नाम आया है, ये एक नंबर आ चुका है। अगले सभी निकालिएगा क्वेश्चन, x माइनस वाई 8 है, एक्स वाई 20 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, जल्दी से फोर सिक्सटी के साथ जा रहे हैं, मगर 460 के साथ जा रहे हैं, सही होगा या गलत होगा देखने वाली बात है, अभी तक कह नहीं सकते हैं कि सही है या गलत है। मैं समय दे रहा हूं सभी को, जल्दी से आंखों से ही आंसर आ जाना चाहिए बच्चों।
सभी ट्राई करिएगा, सभी ट्राई करिएगा। चलो समय समाप्त। आंसर है इसका 992। इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है a माइनस बी या x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख सकते हैं आप, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका, ये बच रहा है और एक्स वाई जहां पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो एक्स वाई होगा और क्या होगा, और ये तो 8 आ गया। इसमें अभी हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपरली नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये कहां से आया है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में क्लियर कर देता हूं। एक्स क्यूब सॉरी स्क्वायर, ये तो 8 का 8 ही रह गया, वाई स्क्वायर भी आ गया। अब मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे को जो 1xy चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस इसको इसके साथ 3 लगा दिया और इधर से 2xy ले लिया, ठीक है। तो जब हमने ये ले लेंगे तो होल स्क्वायर का होल के तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy बन जाएगा, और दोनों को आपस में इन दोनों को ही माइनस करेंगे, यानी कि मैंने इस चीज को ब्रेक किया है, इस वाले को ब्रेक किया है, 3xy माइनस 2xy, जब माइनस करेंगे तो 1xy बच जाएगा। क्यों किया है ब्रेक, क्योंकि मेरे को एक्स माइनस वाई और एक्स वाई की ही फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए था, तो 8 x माइनस वाई की वैल्यू फिर से 8 का स्क्वायर प्लस 3xy की वैल्यू कितनी थी, 20, तो डायरेक्ट हमारे पास पुट करने के लिए बन जाएगा 8, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 और b दिए 60, तो टोटल कितना हो गया बेटे, हो गया 124, जो कि 992 के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन रहेगी बच्चों। इस प्रकार से जो है ये ऑप्शंस जो है वो चलती हैं, और ये क्वेश्चन हो बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4th, सभी ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर क्या बता रहे हैं आप, सी के साथ जा रहे हैं, देखने वाली बात है कि ऑप्शन सी जो है वो इसकी सही है, सभी का आंसर सही है, क्योंकि मैं समझा रहा था तो उसने में आपको अच्छा खासा समय मिल गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं अपने जिनको नहीं समझ आया है या जो बाद में देखेंगे मैं उनके लिए भी समझाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को 1/10 इंटू 1/10 पॉइंट हटा दिया करो, अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 11/10, 1/100 प्लस 120, 1/100 मल्टीप्लाई 10/100, 0 से 0 क्या 11 कम 11 ग्यारह ग्यारह 121, कितना बच गया बेटा 100 प्लस 1/10 11/10 सॉरी, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 10 के आ गया, तो 0 गया तो 1 ही आया, तो 10 आया तो 110 ही हो गया, टोटल हो गया 111/100, जो कि पॉइंट लगा लेंगे और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, इससे करेगा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा, तो दैट वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5th ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
सभी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा क्या आंसर होगा। सबसे पहले आंसर कौन निकालेगा, जल्दी से निकालिए, स्पीड बनाइए, स्पीड की ही वैल्यू है। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नकल दूं, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का बेटा क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी सर, सी के साथ जा रहे हैं, मगर सी ऑप्शन अभी मैं ये कहूं तो आपको ऑप्शन दे देता हूं ये गलत है। करेक्ट आंसर रहेगा समय समाप्त 100 है आंसर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बन रहा है आपका ए स्क्वेयर और ये बन रहा है बी स्क्वेयर, ठीक है जी। a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार इनको माइनस करना है और एक बार आपने प्लस करना है। जब आपने इनको प्लस किया तो कितना आ गया 0.11, माइनस किया तो कितना आ गया 0.09 ओवर 0.0001 प्लस 1, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए सभी, 11 और ये 9 हो गए, ऊपर वाले के 100, इसके भी 100, इसका 1 आया तो इसके कितने आएंगे 4 जीरो जो है वो ऊपर आ जाएंगे, नीचे वालों के ऊपर, ऊपर वालों के जे प्लस 1 और 11 9 99 और जमा 1, आंसर इज 100। थोड़ी सी कहीं पे भूल चूक, कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को इसी टाइप से टेस्ट देंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करिएगा। मैं हर बार टेस्ट ज्यादा लेता हूं, जो भी हमारी क्लासेस हैं इसमें टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप ट्राई करते रहिएगा क्लासेस को, साथ साथ में ट्राई करते रहिएगा। जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा बच्चों, सभी अपना अपना डी आंसर के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन देख लेते हैं आपके लिए। सभी अपना अपना ट्राई करिएगा, आंसर देने की कोशिश करिए, होड़ मच जानी चाहिए कि आपका आंसर जो है वो सबसे फास्टली आंसर आना चाहिए। तो आंसर इज डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 a है, ये यहाँ पे a बन रहा है प्लस 3 b बन रहा है, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो इधर मैं इसको खोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बनता है हमारे पास, माइनस 3 a है प्लस 3 b है। अब देख सकते हैं आप इस प्रकार से, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ए स्क्वेयर है तो आपने ए स्क्वेयर कर लीजिए इसका, ए स्क्वेयर यानी कि ए की वैल्यू डाल दीजिए, 99 का स्क्वेयर प्लस 96 का स्क्वेयर माइनस 2 ए बी, ठीक है जी। तो 2 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 999 और b की वैल्यू आपकी 96 माइनस 3, ब्रैकेट में अगर आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं ये, क्योंकि कॉमन बन रहा है, तो a माइनस b, तो यानी कि माइनस 3 999 में से आप 96 को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी खुद ही देख रहे हैं कि कैलकुलेशन कितनी लंबी बन रही है। अब आपने क्या करना होता है, इस प्रकार की जब भी कैलकुलेशंस बनती हैं, जब 96 का स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर कितना होता है, 9216 है ना जी, और 999 का स्क्वायर कर लीजिए तो और ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस दी हैं वो तो किसी भी हालात से नहीं बन रही, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर जो हैं वो डी ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट चुपचाप क्या करेंगे, चॉइस कर लेंगे, डी ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट आंसर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात पे आ चुके हैं, सभी आंसर देने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपके हिसाब से क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका बच्चों सही आंसर होगा। सभी ट्राई करिएगा। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, बी बी यानी कि 1/4 आंसर बता रहे हैं, 1/2/3 बता रहे हैं आंसर। मैं कहूंगा अभी भी ए ए के साथ जा रहे हैं आप। आए हैं स्पीड ही चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, समय समाप्त है, आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन है बच्चों। कैसे हैं देखिए, 1+ पर लेट आया ना थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय 3/2 एलसीएम ले लेंगे इतने का सॉल्व करके, 3/2 इसके बाद 1+1 डिवाइडेड बाय 1+ उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 से हुआ तो 2/3 हो जाएगा, इतना आ गया बच्चों। इसके आगे देखिएगा, 1+1 डिवाइडेड बाय 3/5/3, जैसे 1 से करेगा तो उल्टा भी होगा, 1+3/5, 5 × 5 = 5, 5 × 3 8/5, 1 सही 3/5, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, 8th क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 8th क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कैसे होगा, डायरेक्ट आपने एलसीएम ले लेना था और सबको प्लस कर देना था, ये क्योंकि सबका बेस सेम है तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100, 0 से 0 गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 5/2 क्या आंसर आ गया जी, 5/2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। सभी को बोलूंगा कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको खुद की तैयारी जो है वो दिखनी जरूरी है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या हमारी स्पीड कितनी है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, क्या होगा इसका आंसर स्पीड में। सभी अपना अपना आंसर जो है वो आंखों से ही निकालने की कोशिश करिए, a+b a-b, मैं हूं तो मैं भी करूंगा आपके सामने, एक बार प्लस करूंगा एक बार माइनस, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ये हो गया, प्लस किया 5, 5, 10, 7, 3, 10, 11 और यहां पे आ गया 0.24। सभी ट्राई करिएगा, 11 × 4/4 और इसका आ गया 100, 4 से 4 गया तो 1100 ऑप्शन, 1100 डी ऑप्शन बिल्कुल सही। समय समाप्त, 1100 जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिएगा जल्दी से, आंखों से आंसर कैसे निकालना है। आया आंसर इसका 10th का, क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है, तो क्या होगा इसका आंसर स्पीड में। जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकालने की कोशिश करो बच्चों। सभी आंसर ट्राई करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्म होती है हमारी, इसको आप डायरेक्ट मेरी ट्रिक से भी कर सकते हो, 1/x = a, और आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा हो x² + 1/x² निकाल कर दो, आपने कुछ नहीं करना है, a² - 2 करना है, यानी कि
सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, 36 का माइनस टू, आंसर इज 34, दैट वन इज द आंसर। समय नहीं जाएगा कहीं पे भी, समय कहीं नहीं जाएगा, मगर हमारे टाइप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, मैथ हमारा और परफेक्ट हो जाएगा अगर हम मैथ के जो लेवल्स के क्वेश्चन जो है वो और भी उठाते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म से याद रखना है, याद रखिएगा मेरे इस क्वेश्चन को। और अगर आपके पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स ए के बराबर है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस टू कर देना, तब क्या कर देना है, प्लस टू कर देना। ये दूसरा टाइप है इसी क्वेश्चन का जो पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है ये क्वेश्चन, उठा करके जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आया, सभी अपना आंसर करिएगा स्पीड में। पहले का आंसर क्या आएगा, छे, बिल्कुल सही। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, x इज इक्वल टू 8 गुना 36 बटा 48, ठीक है जी, 8 एकम 8, 8 छिके 48 और 6 छिके 36, तो आंसर इज 6। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से ट्राई करने की कोशिश करिएगा सभी। क्वेश्चन बदलेगा मगर होगा सिंपल, 12th का पक्का, श्योर डी। दीपक कहाँ गए, दीपक कुमार आंसर। फर्स्ट एंड लास्ट को करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, आंसर दीजिए भैया, 81 इंटू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 8 चौके 32, तो एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू पूछी है बच्चों, एक्स का मान क्या होगा, तो बिल्कुल सही मैडम जी, x इज इक्वल टू 18, क्योंकि 18 ये, ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल, इन्होंने यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, तो कई जगह जो है वो 324 भी लगाकर बैठ जाएंगे, अगर आपको ये पता होना चाहिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो यूं भी लिख सकता है, एक्स ओवर 81 इज इक्वल टू 4 ओवर एक्स, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ये 324, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 324 जो कि 18 के इक्वल हुआ, इसलिए बिल्कुल सही है नेहा जी आपका सवाल। अगला सवाल आ चुका है 13 नंबर सवाल, फटाक करके आंसर कौन दे रहा है, फटाक करके ए बी सी की वैल्यू कौन बता रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए भैया, बी आंसर, बी, बी के साथ जा रहे हैं मैडम जी आप, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अनुज भाई कहां पे बैठ गए, कहां रह गए, दीपक कुमार तथों साथ ही है क्या, कुछ तीन दुनी छ, पांच दुनी दस और पांच दिए 15, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 14 नंबर, दीपक अब मैं चाहूंगा कि आप आंसर सबसे पहले दें, सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आंसर देते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा सभी, मैं अपने YouTube पर जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको शेयर करती रहिएगा, सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन कैसे होगा ये।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 30 ये इक्वल टू देख लीजिएगा एक बार फिर से, मैं बता देता हूं यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इक्वल टू सी है, वो तो जो है ना वो रिपीट हो गया था यहां पर बीच में इक्वल टू आ रहा था। इसीन होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन छूट गए हो भाइयों, कुछ नहीं होयो, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा। ए का 30%, ठीक है जी, ये वाली लाइन इक्वल टू ई का 30%, ये वाली लाइन मैंने बीच में इक्वल टू बोला है, इक्वल टू सी का भी 1/6 के बराबर। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, प्रतिशत का अपॉन 100, का मतलब गुणा, b/100, बी का मतलब गुणा 30/100, तो सी का मतलब गुणा ही होगा और 1/6 क्योंकि प्रतिशत नहीं लगा है इसलिए 1/6 होगा, ऐसे 600 जाना था, काटम पिटी कर लेना मेरे भाई, ये कम्बी बी 500, ए को अगर 1 से करेंगे तो a/5 भी लिख सकते हैं, 0 से 0 किया तो 3b/10 भी लिख सकते हैं और c/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी में, ठीक है। अब हमें क्या, हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या मानते हैं कि ये सभी के सभी k के इक्वल है, इसके बराबर है, k के इक्वल है, ठीक है जी। अब हमने ये कंपेयर करने हैं 1/1, कैसे बोल रहा हूँ, a/5 इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5, ऐसे ही b/10 इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 10/3, इसी प्रकार से c/6 इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 6k, यानी कि हमारी जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से हमने इसको मेंटेन करना है, आप ठीक है जी। इसके बाद आपने अब ए बी और सी की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले आपने लिख लीजिएगा a/b/c, अब a की वैल्यू कितनी है आपकी 5k, b की वैल्यू कितनी है आपकी जी 10/3k, c की वैल्यू कितनी है 6k। आप इसका सबका एलसीएम लीजिए और बेस इक्वल बना लीजिए जी, 3 से बनाएंगे तो 5, क्योंकि 3 एलसीएम है, 10/3 है, जो 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 3 से कर दो, यहां पर भी 3 से कर दो और यहां पर भी 3 से कर दो, तो कितने होगी 5 3 15, 3 से 3 किया तो 10 और 6 3 18, k को छोड़ो परे, तो यही आपका जो है आंसर होना था 15 10 और 18, ये डी ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से करने वाला क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सही लगे होंगे और अच्छे से भी समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन फिर से आ गया एक और आपकी तरफ, 5 6 7 के अनुपात में है 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, गुणनफल का अर्थ होता है प्रोडक्ट, यानी कि नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास जो है वो दिया हुआ है प्रोडक्ट, फटाफट 21 के साथ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 21 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 21 ही बिल्कुल सही आंसर है,
सभी और भी ट्राई कर लीजिएगा, सभी मैं आपको समय दूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझाऊंगा, सभी अपना अपना आंसर जो है वो कोशिश जरूर करते रहें प्यारे बच्चों, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ही तो जीत होगी। समय समाप्त, मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो गया है, तो इसके साथ सभी के साथ एक्स लगा लेना था आपने, और गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दिया है तो इन सबको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इन सब का मल्टीप्लाई होगा 210 के बराबर। इसके बराबर 210 एक्स क्यूब हो जाएगा, और किसके इक्वल होगा, गुणनफल यानी कि 5670 के बराबर। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5670 बटा 210। जब आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27। तो एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया, 27, और जो कि 3 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई 3। ये 3 लेना है, और आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या ये दिखाई दे रही है 7, तो 7 से गुणा करेंगे तो 21 आंसर आएगा, बड़ी संख्या बच्चों। अगर छोटी बोला होता तो छोटी कौन सी दिख रही है, 5, तो 15 जो है वो छोटी संख्या होती अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता। ये था इस क्वेश्चन का हल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 16 नंबर सवाल आ चुका है आज का, सभी आंसर करने की कोशिश करिए, ट्राई करिएगा। अनुपात है 7:11 के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने का अनुपात जो है वो 3:4 के पद के बराबर होगा, क्या आंसर होगा। सभी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन 5 बिल्कुल सही है। दीपक भाई आप भी बताते रहे, कोशिश करिए। हाँ इक्वल टू 3/4, 7/11 था प्रत्येक पद में यानी कि किसी भी टर्म में किसी संख्या को जोड़ने पर, किसी को आपने एक्स मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7×28 और 4x इक्वल टू 3 से 11 33 और 3x, एक्स वाले इकट्ठे करेंगे तो माइनस कर लीजिएगा, 33 में से 28 गए तो कितने बच गए आपके पास, 2 वो 3 वो, तो कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5, डायरेक्ट ठा करके आंसर आता है। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन लगाना चाहोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है, लेवल उठता जा रहा है, और कुछ नहीं है, टेस्ट लगाएंगे, डेफिनेटली हम आगे भी बढ़ेंगे। समय जल्दी से करिएगा फटाफट, बहुत ही सिंपल सवाल है ये क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है, पूरे बच्चे भी दिए हैं और उनका अनुपात भी दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, मतलब और एडमिट हो गए हैं, तो नया अनुपात क्या है, सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। देखें इसमें है कितना दम, सभी आंसर निकालें जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी, समय समाप्त हो रहा है, 1 मिनट के अंदर ही बच्चों आंसर निकालना होता है, 1 मिनट से अगर ज्यादा समय लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ऑप्शन मैच करिए, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शंस दी होती है तो ऑप्शन में मैच करिए, कोई भी मैच हो रहा है बस ठा करके आंसर निकालिए। जल्दी से ट्राई करिए, अभी मैं हिंट दे रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी चाहिए, जब लड़के लड़कियों की संख्या निकल जाए
ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है मैं बता देता हूं कि ये गलत ऑप्शन है मेरे, सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है मेरे भाई, अफसोस आपकी ऑप्शन गलत हो चुकी है। बी ऑप्शन भी गलत है, सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि लड़के आगे हैं तो लड़के लड़कों का अनुपात आगे आएगा। हाँ जी यस, बिल्कुल सही बात, आपने पकड़ ली मेरी बात, क्योंकि लड़के सबसे आगे होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि लड़के आगे हैं लड़कियां बाद में हैं, ठीक है जी। अरे ऑप्शंस तो दोनों हैं यहाँ पे, फिर बहस किस चीज की है बेटा, इसी चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें एक्यूरेसी पे काम करना है, ओके। तो टोटल अनुपात निकालेंगे बच्चों पहले इसका, टोटल अनुपात कितना हुआ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ, टोटल अनुपात यानी कि 24 हो गया। बॉयज की संख्या निकालिए सबसे पहले, तो 13 बॉयज का है, ये देखिए ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का अनुपात है, क्योंकि जो बोला होगा वही उसका अनुपात होगा, तो 13/24 × 504, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल हो जाएगा आपका 273। इसी प्रकार से गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स का अनुपात 11 है, टोटल अनुपात 24 × 504, कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आ गया 231। मगर इन्होंने बोला कि 12 लड़कियां और रख ली हैं, तो प्लस 12 उसमें और जमा कर दीजिए, तो टोटल हो गए 243। अब इन्होंने बोला था लड़के लड़कियों का अनुपात, तो लड़के ऊपर आ गए, 273 ऊपर आ जाएंगे बेटा, तो 243 नीचे आ जाएंगे, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 91/81 आएगा, 91:81 इसका हल होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 18 नंबर, सभी आंसर दे रहे हैं, क्या है आपका? बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी मैडम, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन था बस उसी को उठाकर आगे बस जोड़ करके जाके क्या कर दिया, घटाने वाला डाल दिया, क्वेश्चन सेम ही आते हैं बस वही रिपीट होते हैं जी। क्वेश्चन कैसे होगा, मैं सभी बच्चों के लिए सोल्यूशन भी डाल दूंगा, 15 में से एक्स जाएगा क्योंकि घटाई जाए, और 19 में से भी घटाई जाए, तो वो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा 60 − 4x 57 − 3x, यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आंसर इज सी, ये इसका सही हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल इसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया और 20% लड़के और 25% लड़कियां नाबालिग हैं, तो बताइए कि कितने प्रतिशत जो हैं विद्यार्थी बालिग नहीं। सभी ट्राई करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये भी कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत ही बेसिक, जो कि हमारे अग्निवीर और पुलिस की तैयारी के लिए। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बताएं आंसर, सी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल अनुजी बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, सी ऑप्शन जाएगी इसकी,
सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगी बच्चों। मैं हल बता देता हूं, अब इसका हल क्या होगा। इसका हल निकालने के लिए आपको पता है बॉयज सबसे आगे आते हैं और गर्ल्स पीछे आती हैं, ये बॉयज आगे आएंगे हर बार, ये क्वेश्चन में होता ही होता है, बॉयज आगे ही आएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो टोटल अनुपात कितना हो गया जी, 5 हो गया। कितना हो गया जी, 5 अनुपात हो गया। अब पहले हम कुल संख्या निकालेंगे लड़कों की, बॉयज जो है नाबालिग जो है उनकी संख्या कितनी है। देखिए लड़के जो यहां पर है बालिग है, और यहां पर नाबालिग नहीं, बालिग नहीं तो मतलब नाबालिग, इसलिए 20% लड़के जो है वो बालिग है, तो 80% क्या है नाबालिग है। तो इसलिए आपने 3/5, ठीक है जी, क्या ले लेना है, अच्छा टोटल ही तो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सीधा ही ले लो आप, कितना 20% लड़के हैं, तो इसको 100% मान ले तो 300 और 200 हो गया है ना, 300 और 200 हो गया बेटा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कैसे करेंगे, 300, ठीक है, टोटल बच्चे हो गए उनका 80% ले लो, कितना हो गया, 8 3 24, 240। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 200 गुना कितना आ जाएगा, ये 25% है तो 75 आ जाएगा, 75/100, और 75 दूनी 150, ठीक है जी। तो 150 लड़कियां आ गई और 240 जो है वो लड़के आ गए। अब इन्होंने बोला है टोटल, ये देख सकते हैं आप, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, ये जो हमने निकाले, ये निकाले कौन है, ये नाबालिग निकाले, बालिग नहीं है, नाबालिग है। तो टोटल हुए 390, ये नाबालिग है, तो हमें नाबालिग ही चाहिए थे, तो 390 टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 500। कैसे, 300 और 200 कितने हो गए, 500, ठीक है, गुणा 100, 0 से 0 के 5 से काटो, 5 7 35, 5 8 40। बहुत अच्छे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा जी। अगला सवाल आज का और अंतिम सवाल है ये, से ट्राई करिएगा, 20 नंबर सवाल है आपका, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं मेरे भाई, आपकी संपत्ति है, कहीं पे भी जाइए। आपको पहले तो ये जरूर पता होना चाहिए बच्चों, ये कौन से चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी हमें पहचान नहीं होती है तो पेपर में हम डिले हो जाएंगे। सभी जो हैं क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा दिमाग में डालें, और कि कौन से चैप्टर से जो है ये मैच कर रहे हैं, क्योंकि तो ही तो आप क्वेश्चन मैच करेंगे तो ही तो आगे लगा पाएंगे अपना तुक्का, अपना ट्रायल। तो आपका क्या आंसर आया था प्यारे बच्चों, आंसर इज बी 15। ये आपके कौन से चैप्टर से है नेहा जी, LCM HCF। हाँ बिल्कुल सही, LCM HCF से जुड़ा है। कैसे पता लगा, बिल्कुल सही, सबसे बड़ा आकार, क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़े आकार यानी कि बड़े से बड़ी वैल्यू। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन होता है तो
वो क्वेश्चन जो है सबसे बड़े से बड़े आकार वाला वो हमारा एलसीएमसीएफ का होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, अंकों वाले क्वेश्चन करवाए थे, बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो उस क्वेश्चन में जो है इसी टाइप पर था। तो इसका आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था किसका, 345, 120, 225, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर इज 15, दैट वन इज द आंसर। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, मित्रों में, और नेक्स्ट टेस्ट की क्लास में आप जरूर लगाइएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।